ये मुझे क्या होने लगा? अब मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ कुछ होने लगा है नबीद। वो तो ऐसे ही पागल हो रही है। उस दिन जब भाजी से तुम मेरे लिए बोले ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा भी कोई अपना इस घर में अब है। ना जाने क्यों इसकी बातें सुनकर मेरे भी दिल में कुछ कुछ होने लगा। ये क्या हो रहा है? आप मेरी बात सुन रहे हैं? मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे जवाब चाहिए। अनम, कितनी मोहब्बत से मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी का सफर शुरू किया था। सोचता था तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा, तुम अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत औरत समझोगे। मगर मैं समझने में मुझसे कोई गलती हो गई कि तुम्हें तो मोहब्बत चाहिए ही नहीं। न तुमने अपने और मेरे रिश्ते को कुछ समझा, न इस बचपन को जिसमें हम जुड़े हुए। जब मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत से खाली हो जाए, तो उसमें ना हरारत बाकी रहती है ना जिंदगी। अनम, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। काश मैं तुम्हें अपना दिल खोल कर दिखा सकता कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता और तुमने कितनी आसानी से तलाक का भी सोच लिया। काश। राहत, तुम रात भर सो नहीं सकी हो। तुम ऐसे करो, तुम आराम करो कमरे में, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के ला रहा हूँ। अब आप बैठे, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आज स्कूल नहीं है ना, तो घर के सारे काम मैं कर लूंगी। रहने दो तुम, हमारा ज्यादा एहसास करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए बना लो। अम्मा मुझे माफ कर दें और अपना मूड भी ठीक करें ना। मूड ठीक करने से क्या हो जाएगा? तुमने तो अपनी मनमानियां करनी है। अब आप पुराने किस्से मत लेके शुरू हो जाए। माफी मांग तो रही हूँ आपसे। अब आप समझाएं अम्मा को। हाँ, बस छोड़ भी दो ना इस बात को। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया ना। अनम बेटा, तुम नाश्ता बनाओ, मैं जरा मुंह हाथ धो के आता हूँ। हम सब इकट्ठे मिलकर नाश्ता करेंगे। ठीक है।